न्यूज़पेपर में कुछ देते हैं, वेबसाइट में कुछ अपलोड करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन कुछ बातें होती जिन प्यार से ही बोलना पड़ता है, तब जाके ही रिस्पॉन्स देते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। इन्होंने मुझे ये बताया कि जो आपका थर्ड HNB UMU आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे होंगे, थर्ड राउंड कहेंगे या मोप अप राउंड कहेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा। और BSc नर्सिंग वाले तो काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ और होना भी चाहिए परेशान स्टूडेंट, कि मतलब 2023 का जनवरी महीना जाने वाला है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली स्टूडेंट, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पॉइंट बता दिया होगा और आपने देखा होगा काफ़ी चेंजेस आज की वीडियो में रहने वाला है। और परसों की वीडियोस की बात करता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे कोई लाइक करे डिसलाइक करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस वीडियो में मुझे 2 से 3 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर लिया था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, मैंने बार बार कहा है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली थी क्योंकि मैंने आज यूनिवर्सिटी से बात की है, यूनिवर्सिटी ने क्या यहाँ पे बताई है, मोपअप राउंड होगा कि थर्ड राउंड होगा, बहुत कंफ्यूजन है आपके माइंड में। तो देखो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ HNB UMU के रिगार्डिंग ऐसी वीडियो आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता, चाहे वो अनदर यूट्यूबर्स की बात करें, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं जो मैंने आज यूनिवर्सिटी से बात की। सबसे पहले हम यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, नर्सिंग दाखिले के लिए एक और काउंसलिंग होगी, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि तीसरा चरण। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो मैंने बात की मैं आपको उनका प्रूफ भी बता देता हूँ। ये मुरली सिंह रावत जी है, आपके जो एडमिशन का डिपार्टमेंट जिनके पास है, जो सारी चीज़ें जो पोर्टल में अपलोड करते हैं, इनको इनकी डिटेल्स मतलब सारी चीज़ें पता रहती है। और जो इसका वीडियो का क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, नीलम बिष्ट जी को देना चाहूँगा, चमोली की लड़की है, इसी स्टूडेंट के वजह से मुझे इनका नंबर प्रोवाइड हुआ है। देखो स्टूडेंट, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनका नंबर मांगेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं स्टूडेंट इनका नंबर देके, क्योंकि उन्होंने जो बात कही मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग में देख लेना स्टूडेंट, नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो अनसब्सक्राइब वाले रहते हैं, वीडियो में उटपटांग कमेंट्स कर लेते हैं, तो उनको भी प्रूफ देख लेना। यहाँ पे 10:29 में मैंने इनसे बात की थी, आज की डेट देख लेना स्टूडेंट, 10 जनवरी 2023 को बताना पड़ता है स्टूडेंट ये प्रूफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनके माइंडसेट में नेगेटिविटी रहती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 से 3 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था उस वीडियोस में, खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इनसे 1 मिनट 39 सेकंड तक बात की। तो बाद में जो मैंने पॉइंट्स इनसे पूछे, जो पहला पॉइंट मैंने BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग पूछा कि सर जो BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं फिलहाल इनके लिए क्या अपडेट है, तो इन्होंने जो जवाब दिया BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग, इन्होंने मुझसे बाद में यह कहा कि देखो कि जो रिड्यूस मार्क्स का है, जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा कही गई थी कि 50 नंबर वालों को ही काउंसलिंग का मौका मिला जाएगा, इन्होंने उसके लिए यहाँ पे इंडियन काउंसलिंग को पत्र भेजा है, लेटर भेजा है कि हमारे जो गवर्नमेंट सीटें खाली रह रही है, बच्चे कम थे जिनके 50 से ऊपर है, तो अभी तक इंडियन काउंसलिंग के द्वारा उनके लिए कोई भी अपडेट यहाँ पर जारी नहीं किया है। इसी कारण यही रीज़न है कि BSc नर्सिंग वालों की जो काउंसलिंग में डिले हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, चाहे GNM वाले हो, NM वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो या MSc नर्सिंग वाले हो, तो उनके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पे आपका मोपअप राउंड नहीं होगा, फिलहाल आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी थर्ड काउंसलिंग करा रही है कि काफ़ी सीटें खाली है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी लिखा था कि आपकी तृतीय काउंसलिंग यहाँ पे होगी। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। मोपअप राउंड तब होता है स्टूडेंट जब आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सीटें फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद भी अगर खाली रहेगी देन मोपअप राउंड होगा। थोड़ा सा इस बार चेंजेस हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा मुझे भी आया स्टूडेंट, मन तो कर रहा था कुछ बोल दूँ, लेकिन कहते हैं ना स्टूडेंट बोल नहीं सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा था कि 9 जनवरी से स्टार्ट होगी और आज आप देख सकते हैं 10 जनवरी हो चुकी है, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग है कोई अपडेट यहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में नहीं दे रखा है। तो फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, जब इन्होंने ऐसी मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में न्यूज़पेपर में कुछ देते हैं, वेबसाइट में कुछ अपलोड करते हैं, तो आई होप आप समझ चुके होंगे, गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन कुछ बातें होती जिन प्यार से ही बोलना पड़ता है, तब जाके ही रिस्पॉन्स देते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। इन्होंने मुझे ये बताया कि जो आपका थर्ड राउंड है 1 या 2 दिन में यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, फिलहाल जो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट हुई उसके बाद कितनी सीटें वैकेंट है उसका डाटा यूनिवर्सिटी को अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है, 1 या 2 दिन आपका डिले लगेगा। जैसे ही आपके मोपअप राउंड यहाँ पर मोपअप राउंड आपका नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया थर्ड राउंड आपका यहाँ पे होगा,
जैसे ही थर्ड राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपके लिए अपडेट आ जाएगा। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तमाम स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल रही होगी। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।